हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फटे हुए दूध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आप चाय बनाने गए हो और आपको दूध फटा मिला हो? बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है ना इस टाइम पे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो जब ऐसा हो रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार इसको हम सेंटेंस में बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि दूध फट गया है, तो मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूँगा? तब मेरे को एक क्वेश्चन अराइज हुआ और आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि ये सभी के साथ घटना होती होगी तो सभी इस वर्ड का यूज़ करते होंगे। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फटे हुए दूध को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और साथ ही साथ एक सेंटेंस भी बना के देखेंगे कि इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की और वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें। तो फटे हुए दूध को हम बोलते हैं कर्डल मिल्क, कर्डल मिल्क, कर्डल मिल्क। ओके, तो अभी एक सेंटेंस बनाते हैं। दूध फट गया है, उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे द मिल्क हैज़ कर्डल्ड, द मिल्क हैज़ कर्डल्ड, द मिल्क हैज़ कर्डल्ड। अभी इसी तरह से कोई एक और सेंटेंस बनाइए और उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि मैं चेक कर पाऊँ कि आपने सेंटेंस सही बनाया या नहीं। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।